सॉरी, एक चीज भूल गया, बहुत जरूरी चीज भूल गया। मैंने झूठ बोला था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बाप से मिला देना। शिव एक मेजर किरदार है, एक बड़ा किरदार है इस फिल्म का, शिव जो कि हिमालय को पर्सोनिफाई करता है, हिमालय को बॉडी करता है। वो शिव का आइडिया भी विनोद का था, इट केम फ्रॉम हिम। एक दिन सिटिंग में बोलते हैं कि बच्चा ऐसा वो चढ़ता है पहाड़ पे और शिव जी का स्टैचू है बड़ा, सो ऐसा ठीक है बड़ा कर देंगे स्टैचू, बोलते हैं नहीं इतना बड़ा कि शिव जी की गोद में बैठता है, ऐसा ये पहाड़ पे कहाँ लगाओगे आप। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पहले यह है कि इतनी बड़ी मूर्ति, 60 फुट की मूर्ति हम ले कैसे जाएं जनाब जी। तो एनीवे हमारे आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से मूर्ति बनाई। उसने हमें एक सोल्यूशन दिया कि इसके 4-5 पीस करके ले जाएंगे इसको ट्रक्स में डाल के। तो ये कुछ 5-6 ट्रक्स में डलहौजी पहुँची मूर्ति, और उसको कैसे हमने लगाया 12,000 फुट पर, यह हम ही जानते हैं क्योंकि वहाँ कोई रोड नहीं था जाने के लिए। मूर्ति लोगों ने अपने कंधों पे उठाकर ऊपर ले गए थे। जब हम शूटिंग कर रहे थे तो नीचे से आदमी भाग के आया कि शिव स्टैचू आ गया, शिव स्टैचू आ गया। तो एक लॉरी आई, तो मैंने कहा अभी कितना बड़ा है एक लॉरी में। लॉरी का पर्दा जब हमने खोला तो अंदर सिर्फ शिव जी का हाथ और एक डमरू था एक लॉरी में, बाकी लॉरियों में बाकी शिव जी आ रहे थे। और रात दिन काम करके हमारे वर्कर्स ने वो मूर्ति लगाई, और ये मूर्ति देखने लायक है। आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा। Music is very nice. I liked few songs of this film very much. बहुत अच्छा है। हमारी फिल्म में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो ऐसे ही खामखा you know, गाना बजना शुरू हो जाता है। So we have every song जो कि situation पे आता है, और song से story आगे बढ़ती है। तो हर गाना कहानी से जुड़ा हुआ है। ये नहीं खाली audio value देखा है कि भाई audio में गाने चलने चाहिए, फिल्म में भी चलने चाहिए, audio में जरूर चले और public को समझ आए कि गाना, आप जैसे वो गाना आई एम अ बैचलर, वो भी अनु से ही आया था। क्योंकि मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि वी वांट अ सॉन्ग कि ही बिकम्स अ ग्रेजुएट। मैंने बहुत सोचा कि इस गाने को ऐसा लॉची गाना क्या बनाऊं, कौन सा ऐसा गाना बनाऊं जिससे लगे कि अक्षय खन्ना इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे बस बैठे बैठे मुखड़ा दिमाग में सूझ गया, आई एम अ बैचलर, अकेला हूं, बीमार हूं। तो बैचलर वर्ड आई लाइक वेरी मच, यू नो आई एम अ बैचलर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही सिंग्स इट इज व्हेन ही गेट्स हिज डिग्री इन हिज हैंड and he's dressed up in his gowns, you know, जहाँ degree लेने जाता है। तो गाना शुरू होता है I'm a bachelor, so it has two things, I'm a bachelor of arts science or I'm a bachelor of arts and I'm also a bachelor at heart because he's still a bachelor।